जबा के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां ग्रामीण मात्र एक हैंडपंप के भरोसे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन ने पानी की टंकियां तो बनवा दी हैं, मगर वो कार्य नहीं कर रही। अब ऐसे में ग्रामीण पीने के पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। जवा में बरहुला ग्राम पंचायत में ग्रामीण पानी के संकट से जूझ रहे हैं। पेयजल उपलब्ध कराने के नाम पर यहां 6 हैंडपंप हैं, मगर पानी सिर्फ एक हैंडपंप में आता है। यहां गर्मी के दस्तक के साथ ही जल स्रोतों के सूखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नदियों व तालाबों के सूखने के वजह से पशुपालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सारे हालातों से वाकिफ होने के बावजूद प्रशासन नल जल योजना को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। बरहुला के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने और नल जल योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन के द्वारा लाखों की लागत से पानी की टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन यह पानी की टंकी शोपीस बनकर रह गई। ऐसा नहीं है, 2 साल बाद बहुत मिन्नतों से इसे चालू किया गया, लेकिन सिर्फ ये 4 महीने तक ही चल पाई। अब ग्रामीण फिर परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ने तो जैसे आंख मूंद रखी है और स्थानीय नेता भी अब मुश्किल वक्त में गांव में नजर नहीं आते। पानी नहीं मिले बाबूजी, एक रत्ती एक टूप नल झूरा ही ओटत रही थी। ओट के देख ले, चलो पानी नहीं है, पानी बिना मार के पाले हन, आदमी लड़का सब मर रहे हैं, भटक रहे हैं, निकल रहा पानी भी, सब जनता मर रहे हैं। डब्बा ठड़ा है घामे में, धूप में, एक लोटा भी पानी नहीं मिल रहा, क्या करें सर, मर रहे मने। कितने हैंडपंप है आपके? पंप दूठे तो है ही है सर, इतने बड़े गाँव में तो पानी एक नहीं निकल रहा है। तो कैसे कैसे पानी क्या करे, सारा दिन ऐसा लाइन लगा रहा है, नहीं पानी क्या देते नहीं है तो कहाँ से आएगा? क्या देते नहीं, सरपंच सेक्रेटरी हमारे बीच के कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। एचआईवी विभाग वो कहते हैं कि 500 रुपए दोगे तब मैं बनाऊंगा और सामान अपने से दोगे तब। हाँ, बनवाई के लिए 500 रुपए चाहिए, सामान अपने से व्यवस्था करो। दो हैंडपंप 25 साइड में चालू है, इधर नहीं चालू है। यहाँ दो जो है तो बोर हुए हैं, उन्हीं से लाइन से पानी दिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि हमारे गांव के अंदर कम से कम 5-6 हैंडपंप हैं, जिसमें कि यही हैंडपंप यहाँ पे चालू है, बाकी सारे हैंडपंप यहाँ पे खराब है। यहाँ किसी को पीएचआई विभाग को भी शिकायत करते हैं, कोई सूचना देते हैं, कोई सुनने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। जो कि यहाँ भीड़ रहती, मजदूर की बस्ती है, यहाँ दोपहर सुबह काम करने जाते हैं, दोपहर को आते हैं, लाइन लगाते हैं, पानी पीने के लिए उनको मिलता नहीं, सुबह से शाम तक ऐसी लाइन लगी रहती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।